won't fall again. This just hurt me. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और ये हो रहा था इवनिंग का टाइम। जो इवनिंग का टाइम होता है ना, मोस्टली ना चाय के साथ ही स्टार्ट होता है। स्टार्ट तो मॉर्निंग में भी होता है, बट शाम को बहुत सारे जो ज़्यादातर लोग हैं ना, वो चाय के साथ ही इवनिंग की स्टार्टिंग करते हैं। तो ये मेरे ना दोपहर के बर्तन थे, और जो मेरा विम बार था ना, वो भी फिनिश हो गया था, क्योंकि मंथ का स्टार्टिंग चल रहा है और मैंने अभी घर का सामान नहीं मंगवाया था। तो मैंने आज तो थोड़ा जुगाड़ से मैंने बर्तन धो लिए हैं। आपको जुगाड़ से ही आप सोचिए कि बर्तन मैंने क्लीन नहीं साफ किए, इतना तो सुंदर था ये कि मतलब अभी शाम के बर्तन मैं साफ कर सकूँ। और आज मुझे ना जल्दी खाना भी बनाना है, शाम का 5 बजे रहा है। और मैं सोच रही हूँ ना, क्योंकि मुझे जाना था मार्केट, और मार्केट जाना है क्योंकि सारा सामान ख़त्म हो गया है। मोस्टली मंथ के एंड तक सारा सामान ख़त्म ही हो जाता है। तो क्या मैंने सोचा कि ना आज इवनिंग में मैं और मेरे हस्बैंड जाएंगे मॉल वगैरह, तो वहाँ से घर का सारा सामान खरीद के लेकर आएंगे। और इसलिए मैं आज जल्दी थोड़ा खाना बना ले रही हूँ। अभी चाय बना रही थी मैं, तो अभी चाय जो बना रही हूँ मैं अपने सासू माँ के लिए जो बना रही हूँ, वो विदाउट शुगर है, क्योंकि उनको शुगर की प्रॉब्लम है। तो उनके लिए पहले मैंने छान ली और फिर उसके बाद अपने लिए बनाऊँगी। और यहाँ मैंने रख दी है दाल। और पता क्या है, मेरे कुकर में भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गया, और ऐसा लग रहा है कि ना सारे काम जुगाड़ से ही हो रहे हैं। कुकर में प्रॉब्लम आ गया, कुकर में अगर ढक्कन लगा दे रही हूँ तो वो सीटी नहीं दे रहा है। और मैंने फिर थोड़ा सा प्रेशर बन जाता तब मैं कुकर का ढक्कन लगा दी तब वो सीटी दे रहा है। और ये मैंने दही जमाई थी, दही भी नहीं जम रही। सारा मेरे साथ उल्टा ही हो रहा है, जब से मतलब ये जो ना KBS का एग्ज़ाम हुआ है तो उल्टा पुल्टा ही हो रहा है ना। जो रिज़ल्ट आया ढंग से अभी तक रिज़ल्ट नहीं आ रहा, ना नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, और ये मेरी दही नहीं जम रही। दही नहीं जमी तो मैंने क्या किया ना, उसको मैंने आटे में रख दिया था, तो मतलब मुझे लग रहा था कि वो अब जम गई है, इसीलिए उसमें टिफिन की साइड में आटा लगा हुआ था। इधर मैंने दाल रख दी है, दाल मेरी पक रही है और मैंने आटा फटाफट गूंद रही हूँ, क्योंकि मुझे सारे काम निपटाने हैं, बच्चों को भी देखना है और मार्केट भी जाना है। तो इसलिए मैं शाम का खाना जल्दी बना ले रही हूँ। खाना जब बन जाएगा तब इसके पापा आ जाएंगे और हम दोनों जाएंगे मार्केट और घर का सामान लेकर आएंगे। अभी ना यक्ष सो रहा है, और मैं ना इसको हमेशा डाइपर पहना के नहीं रखती हूँ, क्योंकि ना ज़्यादा डाइपर पहनाने से ना बच्चों को नुकसान करता है, क्योंकि वो गीला गीला होता है और हैवी हो जाता है, तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है जो वो हमसे बोल नहीं पाते। तो इसके नीचे मैंने गुदड़ी बिछा रखी है, ताकि अगर बाथरूम वगैरह वो कर भी देता है ना, तो मतलब बेडशीट ख़राब नहीं होती। और वो ड्राइंग जो देखी थी ना, वो मेरी बेटी ने बनाई थी। और मैं जैसे अगर आपको कहीं जाना है, मार्केट वगैरह जाना है, और अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो सबसे अच्छा रेसिपी क्या होता है ना, दाल चावल रोटी बना लो, फटाफट बन जाता है। और ये मैं थोड़ा करेला बना रही हूँ मम्मी के लिए, और जो करेला मैं बनाऊँगी ना बहुत झटपट बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं सिर्फ सौंफ का तड़का लगाती हूँ, सौंफ और अनियन का तड़का लगाऊँगी, और ये फटाफट अपना रेडी हो जाएगा। यहाँ बन रहा है और इधर मेरा बेटा उठ के बैठ गया है, और ये थोड़ा सा देख लिया है कैमरा, तो कैमरे के लिए भाग रहा है। Oh.
को भी मैंने उठा दिया था, दोनों बच्चे मेरे बच्चे के हैं। तो इधर 11 का मैंने अभी उसको बुक वगैरह स्कूल से मिल गई थी, और बुक और नोटबुक दोनों मिल गई थी। तो मैं इसका कल का टाइम टेबल सेट कर रही थी, क्योंकि जब मार्केट से आएंगे ना तो काफ़ी टाइम लग जाएगा आने में, और जो सामान वगैरह लाऊंगी उसको भी सेट करने में टाइम लग जाएगा। तो इसका मैं होमवर्क भी करवा रही हूँ, इसको होमवर्क जो स्कूल से मिला था वो होमवर्क भी कर रही है, और साथ में जो इसका टाइम टेबल है यानी कल के जो स्कूल में उसको नोटबुक वगैरह लेके जानी है और बुक वगैरह लेके जानी है वो भी मुझे सेट करना है। यानी ना कुल मिला के ये है ना कि बहुत सारा प्रेशर हो जाता है एक हाउस वाइफ के ऊपर। जब शादी होती है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल गया, कितनी सारी जिम्मेदारी आ जाती है, बच्चों को देखो, घर को देखो, हस्बैंड को देखो, फैमिली को देखो, और यानी है ना हम लोग खुद की केयर तो बिल्कुल कर ही नहीं पाते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है बच्चों के ऊपर, क्योंकि ना बात नहीं मानते ना। जब मैं इसकी फॉर्म कर रही थी तो फॉर्म नहीं करवा रही थी, फिर मन तो करता है एक दो थप्पड़ लगा दूँ। फिर सोचती हूँ कि नहीं यार, हम लोग भी बचपन में ऐसे करते होंगे तो हमारे माँ बाप क्या हमारे को मारते होंगे, नहीं ना। तो मैं सोच के छोड़ देती हूँ, क्योंकि इतने इशू बहुत ज़्यादा कर देते हैं बच्चे कभी कभी, क्योंकि एक साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं और जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं। तो ऐसा लगता है कि ना फटाफट सारे काम कर लो, क्योंकि यार बहुत टाइम, बहुत ऐसा होता है कि ना थकान खुद को भी हो जाती है, मन करता है कि थोड़ा रेस्ट के लिए चले जाएं। संडे तो सबके लिए होता है पर एक हाउस वाइफ के लिए बिल्कुल नहीं होता। तो ये तो मैं कहूँगी कि यार हम लोगों के लिए भी एक दिन होना चाहिए कि हम लोग भी खाना ना बनाएं, घर का कोई काम ना करें और फ्री रहें, मस्ती करें। तो ये वैकेंसी तो आ ही नहीं रही है कि हम लोगों की जॉब भी लगे, वैकेंसी कब आएगी समझ ही नहीं आ रही। सुपर टेट की वैकेंसी की वेट में बैठी हूँ कि जब वैकेंसी आए तो मैं फॉर्म फिलअप करूँ और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि अभी प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ, स्टडी नहीं कर रही हूँ, तो ऐसा लग रहा पूरा दिन में टाइम बहुत ज़्यादा है। और जब पढ़ाई करती थी ना तो टाइम बहुत कम लगता था कि टाइम ही नहीं है, कैसे मैं मैनेज करूँ सब कुछ, घर बच्चों को और स्टडी को। तो अभी टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि अभी घर का काम भी कर रही हूँ और बच्चों को ही देख रही हूँ, और पढ़ाई वगैरह बिल्कुल नहीं हो पा रही है, तो काफ़ी दिन बड़ा लगता है। और जब जैसे ही वैकेंसी आएगी ना तो ऐसा लगेगा टाइम बहुत कम है और दिन भी बहुत छोटा हो रहा है, तो प्रिपरेशन कैसे करें। तो यही सब मतलब दिमाग में सब चलता रहता है। और ना जैसे इवनिंग का मेरा टोटली काम हो चुका है, बस यहाँ पे मैं 11 को होमवर्क करा दूँ और कल का बैग सेट कर दूँ। तो मुझको अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये आएंगे तो हम लोगों को सीधा का सीधा मॉल की तरफ चले जाना है घर का सामान लेने के लिए, और बच्चों को मैं छोड़ के जाऊंगी। चांद तो निकला, तारा तो निकला। पता है ना मैं अंदर के मेरे घर बना नहीं पाई, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और वेट करते मेरे हस्बैंड गुस्सा कर रहे थे, टाइम ज़्यादा हो गया, वीडियो बना रही है।